welcome to the world of chemistry, myself Professor Shankit Jalti. Today we are going to discuss about the IUPAC rules for nomenclature of coordination compounds. First, writing the formula of coordination compounds, and second, writing the name of the coordination compounds. मतलब अगर हमें किसी coordination compound को नाम देना है तो पहले वो coordination compound लिखते कैसे ये पता चाहिए, इसलिए ए सेक्शन है राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे लिखते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लिखते समय एक कोऑर्डिनेशन स्पीयर रहता है और कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर हमेशा मेटल से स्टार्टिंग होती है, देन लिगेंड्स लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, उसके अंदर मेटल है और बाद में लिगेंड्स है। तो पहले देखेंगे हम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर अगर लिगेंड्स एक से ज्यादा हो गए तो कैसे लिखेंगे, अगर एक लिगेंड होगा तो आसान है, पहले मेटल लिखते हैं हमेशा और बाद में लिगेंड लिखते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग लिगेंड्स आर मोर देन वन, अगर और लिगेंड्स एक से ज़्यादा हो गए तो पहला रूल तो सिंपल है, मेटल तो पहले ही लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हमेशा एनायनिक लिगेंड्स पहले लिखने, देन न्यूट्रल लिगेंड्स, देन कैटायनिक लिगेंड्स। ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग लिगेंड्स इज एनायनिक, न्यूट्रल एंड कैटायनिक। मतलब एक से ज़्यादा अगर लिगेंड्स और एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड्स हो गए तो पहले हमेशा एनायनिक लिगेंड्स लिखना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, बाद में न्यूट्रल लिगेंड्स लिखना और लास्टली कैटायनिक लिगेंड्स लिखना। दिस इज द सीक्वेंस फॉर राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। थर्ड वन, इफ मोर देन वन लिगेंड ऑफ एनी टाइप दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सिंबल ऑफ देयर फॉर्मूला एंड नॉट बाय नेम्स। अब ये रूल इम्पॉर्टेंट है। अब हमने पहले सीक्वेंस लिया था कि पहले एनायनिक लिखना है, लेकिन एनायनिक ही अगर दो टाइप के हो गए तो, या फिर कैटायनिक लिखना है और कैटायनिक भी दो टाइप के हो गए तो, या फिर न्यूट्रल दो टाइप के हो गए तो ऐसे समय में क्या करना कि एक ही टाइप का अगर एक से ज़्यादा हो गए तो इस वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन सा लेना, उसका नेम नहीं। सपोज एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम, ये Cl है, ये हमारा एक लिगेंड है, उसका नेम है क्लोरो। फिर NH3 है, NH3 का नेम है अमाइन। अब हम ये उसके नेम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लेते तो उसके सिंबल के फर्स्ट लेटर से लेते हैं। ये क्लोरो का सिंबल क्या है, Cl, फिर फर्स्ट क्या है, C। ये अमाइन, अमाइन का फॉर्मूला क्या है, NH3, उसमें सिंबल कौन सा आता पहला, अल्फाबेटिकली N आता। तो यह हमेशा ध्यान में रखना कि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उसका नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लेते हम लिखते हैं उसके फार्मूले का। तो NH3 में N और क्लोरो का C, उसमें से C पहले आता, इसलिए हमने क्लोरीन पहले लिखा फिर अमाइन लिखा। नेक्स्ट, पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स आर रिटन इन पैरेंथेसिस। पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स मतलब क्या, जिसमें एक से ज़्यादा एटम्स होंगे, जैसे ये Cl है, Cl पॉलीएटॉमिक नहीं है, लेकिन NH3 में हाइड्रोजन 3 times है, NH3 नाइट्रोजन 1 times एंड हाइड्रोजन 3 times। फिर ऐसे पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स को हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ये एग्जांपल। नेक्स्ट, फॉर लॉन्ग नेम्स कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स एब्रीवेशन यूज एंड रिटन इन पैरेंथेसिस। अब लॉन्ग नेम्स मतलब क्या, कि सपोज ये इथिलीन डायमाइन है, तो इतना नाम तो लिख नहीं सकते, फिर इसका सिंबल लिखेंगे क्या है, EN। जैसे पिरिडीन, पिरिडीन का है PY। फिर ये जो लॉन्ग नेम है या कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है उनको भी हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। द होल फॉर्मूला इज इनक्लोज इन स्क्वेयर ब्रैकेट। ये तो हमने देखा है, ऊपर भी एग्जांपल देख सकते हैं, मेटल और लिगेंड्स का होल कॉम्बिनेशन हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर।
नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज रिटन एज अ सब सुपरस्क्रिप्ट इन रोमन न्यूमेरिकल्स। फॉर्मूला लिखने के बाद हमने मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ती है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सुपरस्क्रिप्ट में रोमन न्यूमेरिकल्स में मेटल के ऊपर लिखना पड़ता है। ये एग्जांपल है। नेक्स्ट, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन आउटसाइड स्क्वायर ब्रैकेट एज अ सुपरस्क्रिप्ट इन विच नंबर इज रिटन बिफोर द साइन ऑफ चार्ज। अब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले मेटल लिखा, बाद में लिगेंड्स लिखे, मेटल के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी रोमन्स में। अभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद हम लिखते हैं उसका नेट चार्ज, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है वो हम लिखते कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सुपरस्क्रिप्ट में। वहां पे भी रूल है कि पहले हम नंबर लिखेंगे बाद में उसका चार्ज लिखेंगे, ये ध्यान में रखना। पहले हमने 3 लिखा बाद में -4 लिखा, ये सीक्वेंस याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि पहले चार्ज लिखते बाद में नंबर लिखते, लेकिन वो गलत है। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ये हो गया कंपाउंड्स हम कैसे लिखते हैं। तो कंपाउंड लिखने का शॉर्ट में अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा, उसके अंदर पहले मेटल से स्टार्ट करेंगे, मेटल के ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे रोमन से, बाद में लिगेंड्स लिखेंगे, एक से ज़्यादा लिगेंड हो गए तो पहले आयनिक लिगेंड लिखेंगे, फिर न्यूट्रल लिखेंगे, फिर कैटायनिक लिखेंगे। उसमें भी एक टाइप के दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा न्यूट्रल लिगेंड या न्यूट्रल या कैटायनिक लिगेंड या आयनिक लिगेंड हो गए तो उसमें हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे उसके सिम्बॉल का, उसके नेम का नहीं। ओके, अब जाते हैं राइटिंग द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेम लिखते समय इट इज डिफर देन राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस है, इसलिए याद रखना कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं। द फर्स्ट रूल, अब हम देखते हैं कि जनरली कोऑर्डिनेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसा रहता है। पहले रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले हमेशा कैटायंस रहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद हमेशा एनायंस रहते हैं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमेशा स्टार्ट्स विद द मेटल एंड एंड्स विद द लिगेंड्स। और ये पे है, यहाँ पे रहेगा नेट चार्ज। अब पहला रूल देखते हैं नेम ऑफ कैटायन, क्योंकि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो लिखते इसी सीक्वेंस है, पहले कैटायन लिखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखेंगे, फिर एनायन लिखेंगे, इसीलिए पहले क्या करेंगे हम कैटायन को नेम देंगे, नेम ऑफ कैटायन, बाद में स्पेस देना पड़ेगा, देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। मतलब पहले कैटायन का नेम, स्पेस देके कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम, बाद में स्पेस देके एनायन का नेम, ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। नेम इफ कैटायन और एनायन शुड बी ओरिजिनल विदाउट देयर नंबर्स, ये हो गया हमारा सेकंड रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि सपोज कैटायन और एनायन अगर हो गए, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटायन रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, एनायंस का भी सेम, लेकिन ये मेटल और लिगेंड्स रहेंगे। इफ कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट देयर ओरिजिनल नेम्स शुड बी रिटन, मतलब उनका ओरिजिनल नेम लिखना है और उसका नंबर नहीं लिखना। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमारे पास है K2PTCl6, उसमें से ये K2 पोटेशियम जो है वो हमारा कैटायन है, और कैटायन का रूल क्या है कि उसका ओरिजिनल नेम, उसका ओरिजिनल नेम है के मतलब पोटेशियम एंड नॉट डाई पोटेशियम, इसका मतलब कि उसका नंबर नहीं लिखते हम, पोटेशियम है तो पोटेशियम, फिर ये K2 रहे, K3 रहे, K4 रहे, K4 रहा तो टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा, K3 रहा तो ट्राई पोटेशियम नहीं होगा। ये कैटायन का रूल है कि हमें उसका ओरिजिनल नेम लिखना है, उसका नाम नहीं, उसका नंबर नहीं लिखेंगे हम। सेम फॉर द एनायंस, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कैटायन लिखा, उसके बाद स्पेस आएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेम। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का रूल क्या है नेमिंग का, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिगेंड्स के नेम, फर्स्ट रूल इज लिगेंड्स के नेम लिखेंगे सभी, उसके बाद में मेटल, और उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI, मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड्स,
अब सीक्वेंस से जाएंगे, लिगेंड्स कैसे लिखेंगे, बाद में मेटल का नेम लिखेंगे और बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब लिगेंड्स के नाम कैसे लिखेंगे, द नेगेटिव लिगेंड्स नेम एंड्स विद द वर्ड ओ। जितने भी हमारे एनायनिक लिगेंड्स है उसके ओरिजिनल नेम नहीं लिखेंगे हम, लिगेंड्स के हम कभी भी ओरिजिनल नेम नहीं लिखते। तो उसके नेम्स क्या है, तो अगर जो भी निगेटिव लिगेंड्स होंगे उनका नेम होगा एंड्स विद द ओ। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का नेम होगा क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, साइनाइड का साइनो। या ऐसे निगेटिव लिगेंड्स है उनका नेम एंड्स विद द कैपिटल ओ और स्मॉल ओ। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें देखिए H2O न्यूट्रल है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका नेम है एक्वा। NH3 अमाइन न्यूट्रल है, NO नाइट्रोसिल न्यूट्रल है, CO कार्बोनिल न्यूट्रल है। लेकिन जो निगेटिव लिगेंड्स है उसकी तरफ देखिए, F- इसके ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब इसका नेम एंड्स विथ ओ। देख सकते फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो सब निगेटिव लिगेंड्स है। OH- हाइड्रोक्सो, CN साइनो, CN माइनस है, मतलब जो भी नेगेटिव चार्जेस लिगेंड्स है उनका नेम एंड्स विद द ओ। NC आइसोसाइनो, NO2- नाइट्रो, ONO- नाइट्रीटो, मतलब नेगेटिव चार्ज है उसके नेम्स एंड्स विद द ओ। और जो न्यूट्रल है उनके भी नेम्स इस टेबल में दिए हुए हैं, H2O को एक्वा कहेंगे, CO को कार्बोनिल कहेंगे, इथिलीन डायमाइन EN शॉर्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट रूल, लिगेंड्स आर नेम्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब एक से ज्यादा अगर लिगेंड हो गए तो पहले किसका नेम लिखेंगे, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इररिस्पेक्टिव बीइंग न्यूट्रल पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए चेंज क्या है, जब हमने फॉर्मूला लिखा था वहां पे रूल क्या था कि पहले नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे बाद में न्यूट्रल लिखेंगे बाद में पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे नेमिंग के वक्त उनके चार्जेस कोई भी मैटर नहीं करते। तो हमें क्या मैटर करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका लेंगे, उसके नेम का लेंगे, उसके सिंबल का नहीं। वहाँ पे हमने पहले ए सेक्शन में जो देखा वहाँ पे लिखते वक्त हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका लिया था, सिंबल का। जैसे ये NH3 अमाइन है तो हमने अमाइन उसका नेम है, सो ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लिया था, हमने क्या लिया था, एन लिया था। लेकिन नेम देते वक्त उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना उसके नेम का। तो जैसे इसका ब्रोमो, Cl का क्लोरो, NH3 का अमाइन, तो उसके नेम से अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा फिर, अगर इस कंपाउंड को हमें नेम देना है तो सबसे पहले इन तीन लिगेंड में से कौन आएगा, अमाइन आएगा, बाद में ब्रोमो, बाद में क्लोरो। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लिगेंड्स रिटर्न बिफोर नेम ऑफ लिगेंड एंड इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। अब ये ऑर्डर तो हो गई, कौन सी लिगेंड पहले लिखेंगे उसके नेम्स के अल्फाबेटिकल से। अगर एक से ज्यादा लिगेंड हो गए तो उसे हमें उसका नंबर डिनोट करना पड़ेगा, कितने लिगेंड है, और प्रीफिक्सेस यूज करेंगे हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। दो हो गए तो डाई, तीन हो गए तो ट्राई, चार हो गए तो टेट्रा, पांच हुए तो पेंटा। एग्जांपल देखेंगे हम, PtBr2Cl2। अब देखो हमारे पास दो लिगेंड है, एक ब्रोमो एक क्लोरो, तो पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल, उसका नाम, इसका नाम ब्रोमो है तो बी, इसका नाम क्लोरो है तो सी, तो ब्रोमो पहले आएगा। कितने ब्रोमो है, दो, तो डाई ब्रोमो, बाद में तीन क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो। नेक्स्ट रूल, लिगेंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स नेम्स और हैविंग डाई ट्राई प्रीफिक्सेस ऑलरेडी इन द लिगेंड नेम, इन सच केसेस अनदर प्रीफिक्सेस यूज्ड सच एज बीस ट्रीज टेट्रा कीस ऑल्सो नेम ऑफ लिगेंड रिटन इन पैरेंथेसिस। अब ये रूल क्या कहता है देखो, अब हमने देखा कि प्रीफिक्सेस नंबरिंग के लिए कैसे देते हैं, डाई ट्राई टेट्रा ऐसे देते हैं जितने लिगेंड्स होंगे, लेकिन अगर लिगेंड के ओरिजिनल नेम में ही डाई ट्राई ऐसा प्रीफिक्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट हो गए तो फिर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि डाई
सपोज एग्जांपल देखिए, ईएन मतलब इथिलीन डायमाइन, और इथिलीन डायमाइन अगर हमने दो लिए तो क्या करेंगे हम, डा इथिलीन डायमाइन, फिर इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि इथिलीन दो है और डायमाइन दो है, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड नेम है जो या फिर ऐसे लिगेंड से उसके ऑलरेडी नेम में ही, ओरिजिनल नेम में ही उसके क्या है डायट्रा ऐसे प्रीफिक्सेस है, उस वक्त हम क्या करेंगे प्रीफिक्सेस चेंज करेंगे। फिर कौन से प्रीफिक्सेस यूज करेंगे, बीस ट्रीस टेट्राकीस, बीस मतलब टू, ट्रीस मतलब थ्री, टेट्राकीस मतलब फोर, पेंटाकीस हेक्साकीस, ऐसे फिर पैरेंथ ऐसे यूज करेंगे, और वो जो लिगेंड का नेम है उसे पैरेंथेसिस में लिखेंगे, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए क्या क्या लिया, पी टी ई एन ट्वाइस, ई एन मतलब इथिलीन डायमाइन, इसका नेम हम कैसे लिखेंगे, दो ए मतलब डाई इथिलीन डायमाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके ओरिजिनल नेम में ऑलरेडी डाई प्रीफिक्स है, तो इस वक्त हमने दो के जगह कौन सा प्रीफिक्स यूज किया, बीस, बीस, फिर पैरेंथेसिस में यूज करेंगे इथिलीन डायमाइन, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड या जिसके अंदर डाई ट्राई नेम्स रहते हैं उसे हम बीस ट्रीस टेट्राकिस ऐसे प्रीफिक्स यूज करेंगे, और उस लिगेंड का नेम हम लेंगे पैरेंथेसिस में। नेक्स्ट, नेम ऑफ मेटल, ये हो गए लिगेंड्स के लिए, अब मेटल का नेम कैसे लिखेंगे, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल, ये जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर हम लिख रहे हैं अगर वो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल हुआ तो उसका हम ओरिजिनल नेम लिखते मेटल का। इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, मेटल नेम एंड्स विद ए टी ई, देखो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेम ऑफ मेटल, मेटल का नेम कैसे लिखेंगे, इफ द कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल इट्स ओरिजिनल नेम शुड बी रिटन, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक मेटल नेम एंड्स विद ए टी, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमें चार्ज देखना है कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर कौन सा है, अगर वो कैटायनिक और न्यूट्रल हुआ तो ओरिजिनल नेम, अगर एनायनिक हुआ तो उसका नेम एंड्स विद ए टी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला कॉम्प्लेक्स है सी यू ई एन ट्वाइस प्लस, इसके ऊपर देखो इस एग्जाम्पल में प्लस चार्ज लिखा है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर, इसका मतलब कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है तो उसका ओरिजिनल नेम, फिर मेटल का ओरिजिनल नेम क्या लेंगे हम यहाँ पे कॉपर। अब दूसरा एग्जांपल देखो सी यू एल, एल फॉर लिगेंड्स, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा मैंने कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर, मतलब ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, और एनायनिक हुआ तो उसका नेम ए टी ए से हम एंड करेंगे, फिर कॉपर का होगा क्यूपरेट, देखो ए टी ई एंड्स विद ए टी ई। फिर कैसे पहचानेंगे हम कि कॉम्प्लेक्स कौन सा है, तो सिंपल है, अगर कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर प्लस चार्ज है तो कैटायनिक, माइनस चार्ज है तो एनायनिक, लेकिन अगर चार्ज ही नहीं हुआ तो फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, फिर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सिंपल है, देखिए पहला एग्जांपल ML, ML के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल है मतलब उसका ओरिजिनल नेम हम लिखेंगे। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स देखते हैं एम एल, बाद में एनायन लिखा है, अब यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं लिखा है, फिर चार्ज नहीं लिखा मतलब ये न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्पीयर है और एक एनायन है, अभी एनायन कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर है, बाहर है मतलब वो कोऑर्डिनेशन स्पीयर से बहुत दूर है, मेटल से बहुत दूर है, इसका मतलब ये ए कभी भी ब्रेक हो सकता है, अगर ए कभी भी ब्रेक हुआ तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो एनायन है, अगर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पीछे कौन सा चार्ज छूटेगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा वो कौन सा है हमारा, कैटायनिक है, दिखने में वैसे भी हमें ऐसे दिख रहा है कि वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन ऐसे न्यूट्रल जहाँ पे चार्जेस नहीं है कॉम्प्लेक्स के ऊपर, अगर उसके साथ एनायन रहेंगे तो एनायन नेगेटिव चार्ज लेंगे और बचे हुए कॉम्प्लेक्स से पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हमारा हो गया कैटायनिक पॉजिटिव चार्ज। ऐसे तीसरा देखिए कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी कैटायन है, फिर कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, चार्ज नहीं है, मतलब ये भी न्यूट्रल होना चाहिए,
लेकिन यहाँ पे भी सेम केस है, कैटायन जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखा है, मतलब कैटायन हमेशा पॉजिटिव चार्ज के रहते हैं। अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है तो कभी भी ब्रेक हो सकता है, और अगर वो कैटायन ब्रेक हुआ तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज जाएगा। मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानेंगे हम, तो सिंपल, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज दिया है तो कोई बात ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज दिया तो कैटायनिक, नेगेटिव चार्ज दिया तो एनायनिक। लेकिन अगर चार्ज नहीं दिया तब देखना पड़ेगा कि उसके साथ कैटायंस प्रेजेंट है कि अनायंस। अगर चार्ज नहीं दिया, कैटायन भी नहीं अनायन भी नहीं, तो फिर न्यूट्रल। अगर चार्ज नहीं दिया लेकिन अनायन प्रेजेंट है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक होगा, और फिर चार्ज नहीं दिया और कैटायन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा। और इसके हिसाब से मेटल के नेम चेंज होंगे, मतलब ये पहले कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो ओरिजिनल नेम, दूसरा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो उसका ओरिजिनल नेम, तीसरा कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो एंड्स विद एटी। तो एग्जांपल देखिए मेटल्स और उसके नेम्स कैसे लिखेंगे हम, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक या न्यूट्रल हुआ तो और एनायनिक हुआ तो। जैसे क्रोमियम, कैटायनिक हुआ तो क्रोमियम, एनायनिक हुआ तो एटी लगाएंगे, एटी लगाए तो क्रोमेट, जिंक का जिंकेट, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, आयरन का फेरेट, कॉपर क्यूप्रेट, कोबाल्ट कोबाल्टेट, ऐसे ये टेबल है। नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज डिनोटेड बाय रोमन न्यूमेरल्स इन पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ मेटल्स नेम विदाउट स्पेस बिटवीन द टू। अभी लास्ट है कि मेटल का नेम एक तो ओरिजिनल लिखेंगे या फिर एटी लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो पैरेंथेसिस में लिखना है और रोमन न्यूमेरल्स में लिखना है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका नेम लिखा मैंने हेक्सा साइनोफेरेट, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +3, तो +3 मैंने रोमन में लिखा और पैरेंथेसिस में लिखा और उसके बीच में स्पेस नहीं दी। नेमिंग ऑफ ब्रिजिंग लिगेंड्स, लिगेंड्स बाइंडिंग टू मेटल एटम्स आर कॉल्ड ब्रिजिंग लिगेंड्स। मतलब अगर दो एटम है और दो एटम के बीच में एक ही कॉमन लिगेंड होगा तो ब्रिज तैयार करेगा दो एटम के बीच में, उसे हम कहेंगे ब्रिजिंग लिगेंड्स, आगे एग्जांपल में दिख जाएगा। नेमिंग सच लिगेंड्स द वर्ड म्यू इज एडेड बिफोर द नेम ऑफ सच लिगेंड एंड सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स बाय हाइफन। इससे ब्रिजिंग लिगेंड अगर हो गए तो उस लिगेंड से पहले हम म्यू ये वर्ड डालेंगे, मतलब वो म्यू डोनेट करेगा कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, और ऐसे लिगेंड को हम सेपरेट करेंगे बाय हाइफन डाल के। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मोर देन वन ब्रिजिंग ग्रुप, अगर एक से ज़्यादा ब्रिजिंग ग्रुप हुए, द वर्ड म्यू इज रिपीटेड बिफोर ईच ब्रिजिंग ग्रुप। एक से ज़्यादा ब्रिजिंग लिगेंड हुए तो हर एक लिगेंड के पहले म्यू लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास देखिए, ये हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट को लिगेंड है NH3 4 times, ये फिर से दूसरा कोबाल्ट है उसको लिगेंड है NH3 4 times। अब ये दो कोबाल्ट के बीच में ये NH2 जो है वो है ब्रिजिंग लिगेंड, मतलब वो दो मेटल को कॉमनली बाइंड कर रहा। वैसे दूसरा लिगेंड भी है हमारे पास NO2, ये भी ब्रिजिंग लिगेंड है, वो भी दोनों कोबाल्ट को या दोनों मेटल को कॉमनली बाइंड कर रहा, तो हमारे पास दो ब्रिजिंग लिगेंड है। तो हमारा रूल क्या बोलता, देखो, फॉर मोर देन वन ब्रिजिंग ग्रुप द वर्ड म्यू इज रिपीटेड बिफोर ईच ब्रिजिंग ग्रुप। एक से ज़्यादा अगर ब्रिजिंग लिगेंड हो गए तो हर एक के सामने क्या करेंगे, हम म्यू लिखेंगे। अब इसका नाम क्या होगा देखते हैं, तो पहले लिखेंगे हम लिगेंड्स, तो विदाउट ब्रिजिंग वाले कौन से, या फिर लेफ्ट हैंड से चालू करेंगे और राइट पे ख़त्म होंगे। तो सबसे लेफ्ट हैंड में क्या होगा देखिए, हमारे पास क्या है, कोबाल्ट और NH3 4 times, तो इसका रूल तो पता है, पहले लिगेंड्स लिखेंगे बाद में मेटल। तो लिगेंड कौन सा है हमारे पास, अमाइन है, कितनी है, चार, तो टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। जैसे ही मेटल लिखते उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते, तो ब्रैकेट में लिखी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, तो ये हो गया टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, ये होगा लेफ्ट साइड का एक। अब जाएंगे आगे, अब आगे इधर भी जा सकते इधर भी जा सकते, दोनों में से पहले देखेंगे नेम क्या है, जिसका अल्फाबेटिकल पहले होगा उसको, उस ब्रिजिंग को हम पहले लिखेंगे।
अब ये क्या है, NH2 और एक है NO2। इसमें से NO2 और NH2, एक का नाम है अमीडो, एक का है नाइट्रेट हो। तो ये NO2 जो है वो है नाइट्रेट हो और NH2 मतलब अमीडो। अब इसको अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, तो अमीडो पहले आएगा, ए से स्टार्ट होगा, नाइट्रेट हो एन से स्टार्ट होता, इसीलिए हम लिखेंगे अमीडो। अब अमीडो से पहले हमने हाइफन से क्या लिखा, म्यू लिखा, क्योंकि वो म्यू क्या डिनोट करेगा, हाँ कि वो ब्रिजिंग लिगेंड है। तो म्यू अमीडो मतलब ये हो गया हमारा NH2, जो म्यू से हमने डिवाइड किया वो है म्यू अमीडो, मतलब वो ब्रिजिंग लिगेंड है। बाद में बचा हुआ म्यू नाइट्रेट हो NO2, NO2 मतलब क्या है, नाइट्रेट हो। फिर उसके बाद हाइफन से एन लिखा मैंने, एन क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने बॉन्ड तैयार किया है, इसीलिए उसे क्या कहे, उसे हमने कैपिटल एन लिखा, क्योंकि NO2 ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर रहती है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड तैयार किया होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, कैपिटल ओ लिखते, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने बॉन्ड तैयार किया, नाइट्रेट, इसलिए एन लिखा। अब देखिए लेफ्ट से हम चालू हुए थे, यहाँ से टेट्रामाइन लिख दिया, बाद में कोबाल्ट लिख दिया, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, बाद में म्यू इमिडो, बाद में म्यू नाइट्रेटो। अब बचाइए यहाँ पे भी सेम रूल, पहले लिगेंड्स बाद में अमाइन। अब लिगेंड्स कौन से, ये टेट्रा अमाइन कोबाल्ट, ये मेटल, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये भी हो गया सेम है, टेट्रा अमाइन कोबाल्ट। अब पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। अब क्या बचा हमारे पास, NO3। NO3 क्या है, एनायन। एनायन का रूल क्या है, उसका ओरिजिनल नेम, उसका नेम नहीं, उसका नंबर नहीं लिखते। फिर ये क्या हुआ, नाइट्रेट। NO3 मतलब नाइट्रेट। मतलब ऐसा अगर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स हुए तो इस वक्त क्या करते हैं, लेफ्ट से चालू करने का, जो जो आएगा वो लिखते जाने का। फिर यहाँ से हमने चालू किया, ये सब हमने लिख दिया आगे। अब एग्जांपल्स देखते हैं, द एग्जांपल्स ऑफ नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सम एग्जांपल्स ऑफ IUPAC नेम्स। अब पहला एग्जांपल देखते हैं, PtNH3 ट्वाइस Cl2। अब ये टोटल कॉम्प्लेक्स है, तो पहला रूल क्या था हमारा कि कैटायन का नेम देंगे। कैटायन है क्या, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के पहले नहीं है, मतलब कैटायन के नेम की जरूरत नहीं। बाद में सेकंड रूल रहता है कि कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर जाएंगे। अब कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर का रूल क्या रहता है, पहले लिगेंड्स लिखेंगे बाद में मेटल लिखेंगे। अब लिगेंड एक से ज़्यादा हुए तो उसका रूल क्या है, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसका नेम लिखेंगे। अब ये NH3 मतलब अमाइन और Cl मतलब क्लोरो, फिर अमाइन ए पहले आएगा अल्फाबेटिकली, इसलिए हमने अमाइन लिखेंगे। फिर ये कितने हैं, दो है, इसलिए डाई अमाइन। बाद में क्लोरो कितने हैं, दो, डाई क्लोरो। अब हमारे पूरे लिगेंड्स हो गए डाई अमाइन डाई क्लोरो। अब पूरे लिगेंड्स के बाद नेम लिखेंगे मेटल का, मेटल का ओरिजिनल नेम लिखना है या फिर उसका ATE लिखना है, वो कौन डिसाइड करेगा, कॉम्प्लेक्स कौन सा है, कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। अगर कैटायनिक और न्यूट्रल हुआ तो ओरिजिनल नेम। अब देखो इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नहीं, चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड है, और न्यूट्रल है मतलब उसका ओरिजिनल नेम। फिर PT का ओरिजिनल नेम क्या है, प्लैटिनम, और उसके बाद में लिखेंगे क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, कैलकुलेशन ऑफ EAN। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल या फिर देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 3 कैलकुलेशन ऑफ EAN रूल, उसमें हमने डिटेल में देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में EAN कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके EAN कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलते हैं। तो ये हो गया डायमाइन डायक्लोरो प्लेटिनम 2। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्पीयर है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर कोबाल्ट है, NH3 मतलब अमाइन से क्लोरीन है, और एनायंस भी है Cl2। अब पहला रूल क्या है, कैटायंस, कैटायंस है क्या, नहीं, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के पहले कुछ नहीं, फिर कैटायंस नहीं है तो छोड़ दो, बाद में कोऑर्डिनेशन स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर का रूल क्या है, पहले लिगेंड्स बाद में मेटल, लिगेंड्स में रूल क्या है, अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, तो ये NH3 मतलब अमाइन पहले आएगा, क्लोरो बाद में जाएगा, तो अमाइंस कितने हैं, 5, तो क्या आएगा, पेंटा अमाइन, बाद में क्या, क्लोरो, तो बाद में आएगा क्लोरो नेम इसमें। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो पहला क्या आएगा, पेंटा अमाइन, फिर आएगा क्लोरो, फिर आएगा मेटल का नेम, तो मेटल का नेम क्या रहेगा, कोबाल्ट। अब ये कोबाल्ट के
अब एक कोबाल्ट लिखना है कि कोबाल्टेट लिखना है, ये कौन डिसाइड करेगा? कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कोऑर्डिनेशन स्पीयर के ऊपर चार्ज है कि नहीं? चार्ज नहीं है इसका मतलब वो न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि उसके साथ कौन है? एनायंस है। अगर एनायंस है तो एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये कॉम्प्लेक्स जो है कोऑर्डिनेशन स्पीयर वो पॉजिटिव हो जाएगा, कैटायन है। और कैटायन के लिए रूल क्या है कि कैटायन अगर होगा या फिर न्यूट्रल होगा कॉम्प्लेक्स, तो ओरिजिनल नेम, फिर कोबाल्ट का ओरिजिनल नेम कोबाल्ट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्पीयर लिखना। उसके बाद में स्पेस देके हम लिखेंगे एनायंस। तो एनायंस इस वक्त है कौन है? क्लोरीन। उसका ओरिजिनल नेम क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड लिखा। एनायंस या कैटायंस के लिए हम उसका नंबर नहीं लिखते, मतलब ये डाई क्लोराइड नहीं होगा, स्वीप क्या होगा? क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। K4 मतलब हमारे पास क्या है? कैटायंस है। फिर कोऑर्डिनेशन स्पीयर है FeCN, लिगैंड है 6 times। फिर रूल देखते हैं। पहला रूल क्या है कि कैटायंस, कैटायंस का ओरिजिनल नेम उसके नंबर नहीं लिखेंगे। फिर K4 मतलब वो टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? पोटेशियम ही होगा। बाद में कोऑर्डिनेशन स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर में रूल क्या है? पहले लिगैंड, लिगैंड कौन सा है? साइनो। कितने हैं? 6। इसलिए हेक्सा साइनो। बाद में लिखेंगे फिर मेटल का नेम। अब मेटल का नाम ओरिजिनल लिखना है या फिर ATE लिखना है, वो कौन डिसाइड करेगा? कॉम्प्लेक्स कौन सा है। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है देखिए, यहाँ पे चार्ज दिया क्या? नहीं, चार्ज नहीं दिया मतलब वो न्यूट्रल नहीं है। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि चार्ज है मतलब वो न्यूट्रल ही हो गए। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो कैटायन ही हो गए, नेगेटिव है तो एनायन ही हो गए, लेकिन चार्ज नहीं दिया मतलब वो न्यूट्रल हो गए ऐसा नहीं। वो कौन डिसाइड करेगा कि कैटायंस कौन है और एनायंस है कि नहीं? तो यहाँ पे कैटायंस है प्रेजेंट। कैटायंस है मतलब ये कैटायंस अगर टूट गए या फिर बाहर चले गए तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज लेंगे, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये एनायन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम मेटल का ATE से नाम लिखते, मतलब ये Fe का आयरन नाम नहीं रहेगा, क्या रहेगा? फेरेट। और बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट एग्जांपल K3FeCN6। सेम मेटल है, पोटेशियम के नंबर है, कैटायन है, एनायन के नंबर नहीं लिखते, पोटेशियम का नंबर नहीं लिखेंगे, इसीलिए पोटेशियम। 6 है हेक्सा साइनो फेराइट, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल ATE से ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव है, क्योंकि ये कैटायन से पॉजिटिव तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो ATA से स्टार्ट होगी। लेकिन ये ऑक्सीडेशन स्टेट ने उसने डिसाइड किया, क्योंकि आयरन की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो फेरेट रहता, और +3 रहा तो फेराइट रहता। ओके, ये सब एग्जांपल्स ऑफ नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई होप पूरा अगर आपने स्लाइड्स देखी फिर से रिपीट कीजिए, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा आंसर देखने में। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ IUPAC नॉमिंग क्लेचर्स। डेट्स ऑल फॉर टूडे। थैंक यू वेरी मच।